फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। आपकी दुआओं और भगवान के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए कर दिए ब्लॉग की शुरुआत, तो बने रहिएगा ब्लॉग में और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और ये मुझे बार बार कहना पड़ता है क्योंकि वीडियो है ना आगे बड़ा बड़ा कर देख लेते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि वो वीडियो को है ना, हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही तो ये चीज़ देख ली और बाकी आगे बड़ा बड़ा कर वीडियो देख ली। तो उससे क्या है, हम लोगों का टाइम नहीं बढ़ता है और हम लोग मेहनत करते हैं, काम भी रहता है घर का, फिर उस काम को कैसे दिखाना है, क्या करना है, तो बहुत मेहनत लग जाती है वीडियो बनाने में। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। वो फ्रेंड्स देखने में ऐसा लगता है कि अरे ये इसमें क्या है, ये तो कोई भी बना लेगा, कैमरा रखो सामने और बस काम करते जाओ। लेकिन बहुत मेहनत होती है कि काम करते जाओ वो नहीं है, काम तो हम कर रहे हैं, कैमरा भी हमने रख लिया है, लेकिन एडिट करने में, अपलोड करने में कितनी ज़्यादा दिक्कत आती है फ्रेंड्स, वो सिर्फ जो भी ब्लॉग बनाते हैं उनको तो पता है ही सही कि किस तरह से मेहनत लगती है एक वीडियो में, एक वीडियो बनाने में तो किस तरह से मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, अब तो मैं है ना हर वीडियो में बोलने लग गई हूँ कि प्लीज़ आगे बढ़ाकर मत देखा कीजिए। अगर नहीं देखना तो पूरा वीडियो ही मत देखिए, पर आगे बढ़ा बढ़ा कर आप लोग वीडियो देख लेते हो और फिर वो वीडियो है ना उसमें टाइम बढ़ता नहीं है हम लोगों का। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखकर आप वीडियो देखा कीजिए, मेरा नहीं, अगर आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लगता है वो वीडियो तो आप पूरा देखिए और आपके सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए भी माफी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारे बाबू से मिल लीजिए, देवान से। तो अभी देवान उठकर आ गए थे, उठ तो ये कब से गए थे लेकिन अभी दूध पिया है इनने, क्योंकि आज इनका मूड है ना ठीक नहीं है। ये बोल रहे हैं दीदी के तो पेपर चालू हो गए हैं और मेरा पेपर अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो दीदी की तो जल्दी छुट्टियां हो जाएगी और मैं स्कूल जाता ही रहूंगा क्या, मेरी छुट्टियां कब होगी? तो बस उसी बात को लेकर गुस्सा है। और अभी नहाने जाएंगे देवान, नहाने के लिए जाओगे ना, कहाँ जाओगे? नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स लोग क्या पूछ रहे हैं, आपके पेपर नहीं हुए? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जी लेकर बैठी हूँ, तो बस सब्जी साफ कर रही हूँ अभी, और दोनों ही है ना मेरे छोटे छोटे जी बच्चे दोनों ही जिद कर रहे हैं कि मम्मी हम गिलकी की सब्जी नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको गिलकी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी बड़ी वाली बेटी को भी पसंद नहीं आती है, वो भी बहुत कम खाती है, बस इसके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है गिलकी की सब्जी। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि उनके लिए गिलकी की सब्जी बना देंगे, सब्जी मैं थोड़ी सी ही बनाऊँगी, बाकी ये ना सोच रही हूँ मैं क्यों ना कोई नाश्ता बना लिया जाए। तो देखिए नाश्ते के लिए मैं गिलकी कैसे कट कर रही हूँ, और ये गिलकी के है ना गिलकी के भजिया बनाएंगे, पकौड़े बनाएंगे हम गिलकी के, तो बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स खाने में। वैसे तो बारीक काट के भी बनाते हैं बेसन के अंदर डालकर, लेकिन आज चिप्स टाइप काटे हैं मैंने और चिप्स टाइप काट के बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बेसन ले लिया है, बेसन में मैंने नमक, हल्दी, धनिया, अजवाइन, जीरा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ये सब डाल दिया है। सब डालने के बाद में फिर पानी डाल रही हूँ और पानी से एक घोल तैयार कर रही हूँ। मिर्ची यहाँ पे भूल गई थी मैं, क्योंकि हरी मिर्ची डाली थी ना तो लाल मिर्ची डालना भूल ही गई थी, तो फिर मैंने अभी बाद में डाली है लाल मिर्ची। और ये देखिए घोल तैयार कर लिया है हमने, तो बस ये ऐसा घोल तैयार किया है मैंने। और ये जो लंबी साइज में मैंने गिलकी कट की थी ना, और फ्रेंड्स थोड़ी सी काली पड़ गई है गिलकी, तो गिलकी बैंगन ये तो काटते काटते ही काले पड़ जाते हैं, मैंने पानी में डाल दिए थे और धो भी लिए फिर भी ये हल्के से काले पड़ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से चिप्स को उठाकर तेल में डालेंगे और बहुत अच्छे लगते हैं गिलकी के भजिया खाने में। तो वैसे बारीक कट करके तो मैं हर बार बनाती ही रहती हूँ, लेकिन इस बार सोचा इस टाइप से बना दूंगी ना तो बच्चे शौक से खा लेंगे, और बच्चों को तो शौक रहता है कि कुछ भी नया बने और खाएं, और ये इस तरह से थोड़ा नया दिखेगा ना तो एकदम से खा लेंगे। गिलकी नहीं खाते हैं, सब्जी नहीं खाते गिलकी की, लेकिन ये नाश्ता मुझे पता है ज़रूर पसंद करेंगे बच्चे, और ये तो फटाफट से खा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने
बनाकर तैयार कर दिया है यहाँ पे गिलकी का नाश्ता, और मैं प्लेट लगा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाना। तो यहाँ पे हरे धनिए की चटनी भी बनाई थी, तो थोड़ी सी हरे धनिए की चटनी रख दी, थोड़ी सी फ्राई हरी मिर्ची रख दी है मैंने, और हो गई हमारी प्लेट तैयार। तो चलिए अब बैंगन का बनाते हैं। तो सब्जी है घर में, तो बस इससे है ना नया नया तरीके से नाश्ता बनाती जा रही हूँ। तो देखिए बैंगन के भी बना रही हूँ, और ये फ्रेंड्स है ना मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बैंगन के पकौड़े मैंने कभी भी नहीं बनाए। गिलकी के तो हमारे यहाँ बनते रहते हैं, लेकिन बैंगन के मैंने कभी भी नहीं बनाए हैं। तो मैंने ही ना एक चक्कर वीडियो में देखा था, ब्लॉग में देखा था, तो बस ये रेसिपी वाले ब्लॉग में देखा था मैंने, तो एक दीदी ने बनाए थे बैंगन के पकौड़े, तो बस उनके देखे देखे मैंने भी आज बैंगन के पकौड़े बनाए। तो ये देखिए ये प्लेट भी लगा दिए, लेकिन बनने के बाद मैंने खाया था, टेस्ट किया था, तो मुझे नहीं अच्छे लगे बिल्कुल भी बैंगन वाले, मुझे नहीं अच्छे लगे। और ये देखिए यहाँ पे फिर दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैं ना लेट गई थी क्योंकि आज मेरा सिर बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा था, तो बस लेट गई थी मैं। और अभी सोकर उठी हूँ ना, तो बच्चे आए हैं स्कूल से, तो ये तरबूज लेकर आए थे आज इसके पापा। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। और आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना। ओके बाय बाय।